हमारी मांग राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष में सूबे से उठा रहे हैं, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, सरकार बिल्कुल तानाशाही दिखाई दे रही है। हमारे लिए जो सुरक्षा प्रावधान है पार्लियामेंट में, उसका जो बड़ा गंभीर उल्लंघन हुआ, उस पर हम सवाल पूछ रहे हैं। कल भी सरकार नहीं मानी, आज तो बिल्कुल ही नहीं मानी। कल तक तो ठीक चल रहा था, पर कल दोपहर से, कल से जब जो इंसिडेंट हुआ, कल का जो घटना घटी, जो सुरक्षा प्रावधान है पार्लियामेंट में, उसका जो बड़ा गंभीर उल्लंघन हुआ, उस पर हम सवाल पूछ रहे हैं। और कल दोपहर से हम मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री आए लोकसभा में, गृह मंत्री आए राज्यसभा में, एक बयान दें और एक दो घंटे के लिए उस पर चर्चा होगी और हम बिजनेस, उसके बाद जो सदन की कार्यवाही वो चलती रहेगी। पर कल भी सरकार नहीं मानी, आज तो बिल्कुल ही नहीं माने। तो मैं नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, इतना बहुत गंभीर घटना घटी है कल और उस पर सरकार की ओर से एक कोई औपचारिक तौर से वक्तव्य नहीं आया। हाँ, कार्रवाई जो जांच हो रहा है, सीआरपीएफ की ओर से जांच हो रहा है, ये सब हम बयान आए हैं, पर औपचारिक तौर से गृह मंत्री को आना चाहिए और एक स्टेटमेंट देना चाहिए कि क्या ये क्यों हुआ, कैसे घटा। और सिक्योरिटी जो है, ये बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं ये 21वीं शताब्दी की एक मिसाल है, ये जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग है, तो ये कैसे उल्लंघन हुआ, ये कैसे। और एक और विशेष बात है, महत्वपूर्ण बात है, इस हादसे में, इस दुर्घटना में, मैं इसको दुर्घटना ही कहूँगा क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था, बीजेपी सांसद मैसूरू के जो प्रताप सिम्हा की भूमिका निकल कर आई है, उस पर बीजेपी बिल्कुल चुप है। बीजेपी कोशिश कर रही है ध्यान हटाने के लिए। तो बड़ा गंभीर मामला है और हमारी मांग राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष में सूबे से उठा रहे हैं, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, सरकार बिल्कुल तानाशाही दिखाई दे रही है हमारे लिए लोकसभा में, राज्यसभा में। और हमारी मांग तो बड़ा सिंपल सा मांग है, बहुत सीधा मांग है कि गृह मंत्री आए और बयान दें। अगर हमारी सरकार होती तो बीजेपी तो यही मांग करती कि अगर गृह मंत्री नहीं आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। तो हमारी मांग को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, गृह मंत्री को आना चाहिए, एक वक्तव्य देना चाहिए, एक बयान देना चाहिए लोकसभा में, राज्यसभा में। उसके बाद कुछ सवाल उठेंगे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में, और दो तीन बड़े पार्टियों के नेता सवाल उठाएंगे। उसके बाद जो बिजनेस हमें चलाना है वो चलता रहेगा, अब तक चला रहा, अब तक बहस हुई, डिबेट हुआ, बिल पास हुए और सरकार और विपक्ष के बीच में कुछ रचनात्मक सहयोग भी देखने को मिला। पर इस कल जो हुआ उसके बारे में प्रधानमंत्री ने अब तक तो चुप्पी नहीं तोड़ा, गृह मंत्री ने भी कोई बयान नहीं दिया, सदन चल रहा है और सदन के अंदर आकर, लोकसभा में आकर, राज्यसभा में आकर गृह मंत्री को उनका कर्तव्य बनता है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो एक बयान दें, औपचारिक तौर से एक बयान दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।